हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड ऑफ हाउस एंड ब्लॉग। तो आज हम आए हैं लोनावला में टू टूर दिस ब्यूटीफुल 3 BHK इन अ गेटेड कम्युनिटी ऑफ दिस बंगलो। तो यहाँ 39 बंगलोज है टोटल। तो सारी डिटेल्स मैं आपको वीडियो में दे दूंगा। बिफोर वी स्टार्ट विद द टूर, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। ये है आपका एंट्रेंस पार्ट, यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो इजीली यहाँ पे 2 से 3 गाड़ी पार्क हो सकती है। तो ये पूरा आपका होगा पार्किंग एरिया एंड पीछे है प्लंज पूल जिसका साइज काफी डिसेंट है। तो यहाँ पे थोड़ा आर्टिफिशियल गार्डनिंग किया है टू मेक इट मोर अट्रैक्टिव। तो इसके आगे देखते हैं। तो ये है आपका किचन का एग्जिट, यहाँ से भी एक्सेसिबल है किचन का। प्लस यहाँ पे ड्राई स्पेस दिया है जहाँ पे अपना वॉशिंग मशीन वगैरह रख सकते हैं। एंड यहाँ पे दिया है एक फोर्थ बेडरूम जो ग्राउंड फ्लोर पे ग्राउंड लेवल पे जो बेडरूम है उसका एक्सेसिबिलिटी। सो इफ यू सी इलेक्ट्रिक पॉइंट्स भी काफी अच्छे से दिया है, तो इवन यू कैन चार्ज योर कार। एंड दिस इज द मेन एंट्रेंस ऑफ दिस बंगलो। सो स्टार्टिंग विद द लिविंग एरिया, अगर लिविंग एरिया की साइज की बात करूं तो काफी अच्छा और डिसेंट है। हाइट इसका तकरीबन मेरे को 11 से 12 फुट लग रहा है। यहाँ पे आप इजीली अपना एक सोफा प्लेस कर सकते हैं। यहाँ पे आपका टीवी यूनिट आ जाएगा, टीवी यूनिट सामने भी लग सकता है। दिस गोज टूवर्ड्स योर सेकंड फ्लोर। 3 BHK है ग्राउंड लेवल पे लिविंग एरिया, 1 बेडरूम 1 किचन एंड सेकेंड लेवल पे 2 बेडरूम्स है एंड थर्ड लेवल पे इसका टेरिस है। सो लिविंग एरिया से स्टार्ट होता है आपका बाहर का सिटिंग एरिया जो कि साइज में काफ़ी अच्छा है एंड यहाँ पे आराम से पार्टी वगैरह आपकी बैठ सकते हैं। वेन एवर वी प्लान अ नाइट आउट तो अक्सर एक प्लेस चाहिए होता है जहाँ पे हम लोग चिल करें, जहाँ पे सब पूरा ग्रुप एक साथ ही बैठ सकते हैं। तो दिस इज द आइडियल स्पेस। सो कमिंग अगेन बैक टू द लिविंग स्पेस, तो यहाँ पे आपका डाइनिंग स्पेस भी है। डाइनिंग स्पेस के बाजू में स्टेयरकेस है, स्टेयरकेस के नीचे भी ओनर ने स्पेस यूटिलाइज किया है तो वो काफी अच्छा दिख रहा है। एंड दिस इज योर किचन एरिया, सो एक्चुअल फ्लैट विल नॉट बी सो फुली फर्निश्ड, ये ओनर ने किया है। जो बिल्डर कंडीशन में फ्लैट आपको प्लेटफॉर्म विट्रीफाइड टाइल वगैरह होगी, मॉड्यूलर्स वगैरह नहीं होगी, ये आपको करना होगा। यहाँ पे आपका मेन प्लेटफॉर्म है और ये आपका सर्विस प्लेटफॉर्म है एंड इसकी एक्सेसिबिलिटी टूवर्ड्स द पूल एरिया। सो इन केस आपको पीछे जाना है तो आपको पूरा घूम के नहीं जाना पड़ेगा, आपको पीछे से एक्सेसिबिलिटी है। देन आगे देखते हैं टू द फर्स्ट बेडरूम ऑफ दिस विला। सो दिस इज अ कॉमन बेडरूम और गेस्ट बेडरूम, स्मॉल इन साइज और जिसका एक्सेस यहाँ से भी पूल की तरफ है और आपकी यूटिलिटी एरिया पे है। एंड अगर साइज देखें तो अपना जो नॉर्मल फ्लैट्स में जो बेडरूम का साइज होता है बड़े फ्लैट्स में बड़ा बेडरूम वैसा साइज है, विला है इसलिए आपको शायद छोटा लगेगा। तो बेडरूम के बाहर आता है आपका कॉमन बाथरूम विद दिस आरईके फिटिंग्स, जैगुआर फिटिंग्स एंड ऑल प्रीमियम सैनिटरी फिटिंग्स और ये सारी चीजें आपको आएगी। एंड चलते हैं टुवर्ड्स फर्स्ट लेवल पे, स्टार्टिंग विद द स्टेयरकेस पार्ट। स्टेयरकेस को ग्रेनाइट से किया है एंड उसका रेलिंग जो दिया है ग्लास फसट से किया है विद अ स्टील पाइप ऑन टॉप। सो यहाँ से अगर मैं विला को देखूं तो काफी अच्छा और प्रीमियम विला दिख रहा है एंड स्टेयरकेस का हाइट भी काफी डिसेंट है। सो स्पेस वाइज कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं है, स्पेस काफी डिसेंट लगा मेरे को। एंड दिस टूवर्ड्स अप गोज टू द टेरेस पार्ट, स्टार्टिंग विद द सेकेंड बेडरूम ऑफ दिस विला। सो दिस इज योर सेकेंड बेडरूम, स्टार्टिंग फ्रॉम द पैसेज एरिया। यहाँ पे वर्किंग यूनिट दिया है तो इवन यू कैन डू वर्क फ्रॉम होम फ्रॉम हियर। एंड यहाँ पे भी एक्सेस है विंडो का जिसमें एक रनिंग बेल्कनी भी दी है जिसका एक्सेस यहाँ से है। इट्स अ नाइस 1.5-2 फुट
रनिंग बैल्कनी विद अ ग्लास फसाद रेलिंग एंड लुकिंग टुवर्ड द बेडरूम साइज काफ़ी डिसेंट और काफ़ी लेंथ वाइज भी और ब्रेथ वाइज भी काफ़ी बड़ा है। हाइट अगेन सेकेंड फ्लोर पे फर्स्ट लेवल पे भी काफ़ी अच्छा है, ऑलमोस्ट 12 फुट का हाइट है। एंड कमिंग टुवर्ड्स द बाथरूम पार्ट, ये है आपका एक वॉकिंग वार्डरोब जहाँ पे आप अपना फिक्स वार्डरोब कर सकते हैं। एंड उसके सामने अगेन एक कॉमन बाथरूम अगेन जिसका फिटिंग विद दी आरके एंड ऑल दी प्रीमियम सैनिटरी फिटिंग और काफी अच्छा काउंटर टॉप दिया है, एक अच्छा वॉश बेसिन दिया है। तो लेट्स सी दी बैल्कनी पार्ट ऑफ दिस बेडरूम। सो यू हैव अ बैल्कनी विच इज अ वेरी गुड इन साइज, ऑलमोस्ट 6.5 का लेंथ है और ब्रेथ है एंड लेंथ इसका 10-12 फुट है। तो काफ़ी अच्छा ये भी बैल्कनी आपको मिलता है ऑन दी फर्स्ट लेवल फेसिंग टूवर्ड्स दी सोसाइटी और चिल करने के लिए इवन फॉर हैविंग अ गुड कॉन्वर्जेशन विद अ पार्टनर एंड ऑल ये काफ़ी अच्छा है। सो इसका भी अगर मैं स्लाइडिंग की बात करूँ तो फुल लेंथ का स्लाइडिंग का हाइट दिया है। सो एक चीज़ मेरे को बहुत अच्छी लगी कि जो भी मटेरियल यहाँ पे बिल्डर ने यूज़ किया है जैसे कि विट्रीफाइड टाइल इवन बैल्कनी का जो फ्लोरिंग है काफ़ी डिसेंट क्वालिटी का है, काफ़ी अच्छा क्वालिटी का है, बहुत ही क्लीन वर्क है। एंड सो डायगनली अपोजिट में आपका ये थर्ड बेडरूम है जिसका साइज काफ़ी डिसेंट है एंड किंग साइज का आपका बेडरूम बेड आ गया है। एंड इधर आप अपना टीवी यूनिट डाल सकते हैं एंड यहाँ पे भी आपको एक रनिंग बैल्कनी टाइप में मिलता है, सेम फुल स्लाइडिंग विंडो एंड दिस इज योर रनिंग बैल्कनी फेसिंग टुवर्ड्स दी अदर विला ऑफ दिस सोसाइटी। एंड नीचे आपका जो व्यू है वो पूल का होगा एंड ये सारे विलास और भी है। सो ओवरऑल ओसी रिसीव्ड रेडी अंडर कंस्ट्रक्शन विलास यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पे है इसका बाथरूम अगेन विद अ रनिंग वार्डरोब, तो यहाँ पे फिक्स वार्डरोब भी आप अपना कर सकते हैं। एंड दिस इज टुवर्ड्स दी बाथरूम अगेन अ काउंटर टॉप विद अ गुड वॉश बेसिन आरके फिटिंग। This is your shower, WC. Let's go and see the terrace part. इसका terrace काफ़ी अच्छे से बनाया है एंड अगर डोर वगैरह की मैं बात करूँ तो नीचे और ऊपर काफ़ी अच्छे अच्छे प्रीमियम क्वालिटी के गुड हाइट गुड ब्रेथ तो विला वालों फीलिंग आ रहा है, फ्लैट में जैसा नहीं लग रहा है। तो काम और डिज़ाइन वगैरह काफ़ी सही है। हम लोग जा रहे हैं ऊपर, ओवरऑल हाइट अगर विला की देखो तो काफ़ी ज़्यादा होगी, नीचे 12 ऊपर 12 है, अगेन इतना ही ऊपर इसका टेरेस पार्ट है। सो यू हैव दिस स्पेस हियर जहाँ पे आपका स्टोरेज हो सकता है। स्टार्टिंग विद द टेरेस पार्ट, अभी टेरेस का दो साइड है, एक बैक साइड है एक फ्रंट साइड है। बैक साइड से आपको जो मिलता है टोटली माउंटेन व्यू है और रेस्ट ऑफ द विलास का व्यू है। एंड फ्रंट साइड पे आपको ये स्पेस मिलता है जहाँ पे अगेन एक आपका पार्टी एरिया हो सकता है चिल करने के लिए। तो इन्होंने काफ़ी अच्छे से इसको बनाया है, गार्डनिंग किया है। सो आगे का फेसिंग इज टुवर्ड्स योर सोसाइटी, तो यहाँ पे आपको एक 7 मीटर्स का अच्छा वाइड रोड मिलता है तो एक्सेस ऑफ दी अदर। एंड देखो सामने की फ्लैट्स एक सोल्ड आउट है तो उन्होंने कैसा नीचे उनका सिटिंग किया है इन दी वरांडा एरिया। सो एलिवेशन में आपको ये जो टॉप पे वुडन फिनिश दिख रहा है वॉल सीलिंग ये भी आपको मिलेगा बाय द बिल्डर, तो इट इज गिविंग अ रिच लुक और वो 3 फ्लोर का एक लुक आ रहा है। देन कमिंग टू द बैक साइड इवन यू हैव दिस स्पेस, ओवरऑल पूरे टेरेस का स्पेस काफ़ी अच्छा है, अगर यूटिलाइज किए तो काफ़ी अच्छा बन सकता है ये। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस 3 BHK टूर, तो यहाँ पे 4 BHK भी है एंड 3 और 4 दोनों अवेलेबल है फॉर सेल। सो कमिंग टू दी एरिया पार्ट, आपका प्लॉट का एरिया तकरीबन 2000 का होगा जिसके आपको सेलेबल होगा जो 3000 स्क्वायर फुट का सेलेबल एरिया होगा जिसका प्राइसिंग तकरीबन 2.72 प्लस टैक्सेस, तो एक रफली 3.25 ऑनवर्ड्स से आपका प्राइसिंग स्टार्ट होगा। एंड इसके डिफरेंट डिफरेंट साइजेस हैं तो सारी डिटेल्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। दैट्स इट गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस टूर, प्ललीज सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर सच टूर एंड सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। थैंक यू।